दोस्तों स्वागत है आज के एक नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज जो ना हमने अपने आयशर 485 HD में न्यू टायर डलवाए हैं। तो भाइयों आपको जो ना पूरी जानकारी दूंगा किस कंपनी के टायर डलवाए हैं, किस साइज़ के और किस कीमत में जो हमें टायर वो डलवाए हैं। तो भाई सबसे जो है ना मतलब जो 14 और 28 में सबसे महंगा ब्रांड था ना, सबसे महंगा ब्रांड और सबसे जो ज़्यादा गुड्डी वाला था वो ब्रांड हमने डलवाया। तो भाइयों वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हमने कौन सा जो टायर है वो डलवाए हैं। दोस्तों तो आप ट्रैक्टर का जो सबसे पहले तो लुक देखो, जो ट्रैक्टर का लुक है ना वो देखो कितना खतरनाक आ रहा है। और भाइयों पिछला टायर साइज आप जो ना सोच रहे होंगे कि 14 और 28 का तो है नहीं, क्योंकि देखो कितना बड़ा जो टायर साइज वो लग रहा है। तो भाइयों आपको जो है ना पूरी बात बताऊंगा कि कौन से साइज़ का हमने टायर डलवाया और यही टायर जो है क्यों डलवाया है। तो पहले देखो जो कंपनी से भी ट्रैक्टर आता है ना वो भी जो है ना मतलब पूरा इक्वल एक साथ आता है, लेकिन अब जो हमारा ट्रैक्टर है वो देख सकते हैं आप कैमरे में इतना पता नहीं लग रहा, लेकिन पीछे से जो ट्रैक्टर वो काफ़ी ऊंचा हो रहा है और आगे की तरफ जो झुक रहा है। आगे के 616 के हैं जो पीछे के हैं। तो भैया मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए जी आप 14 और 28, ठीक है जी। और कंपनी में देख लो, कंपनी है सीएट। अब भैया हमने सीएट का टायर है वो क्यों डलवाया है, ये सबसे पहले जो रीज़न आता है वो ये। और भैया 14 और 28 में जो ना मतलब जितने भी टायर थे आप BKT लगा लो, MRF, अपोलो, JK, गुडियर, तो भाई सबसे जो महंगा टायर है हम मिला हमें वो मिला ही है, इससे महंगा कोई सा टायर नहीं था 14 और 28 में। अब इसको डलवाने का कारण क्या रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। और जो फ्रंट टायर ना ये देखो, ये भी हमने ये 616 का है, ये भी सीएट का, दोनों टायर दोनों पिछले नए, ये भी 14 और 28 के भी नए हैं। और भैया ट्रॉली जो अपनी है वो बाहर खड़ी है, तो उसमें भी जो है ना मतलब एक ट्रैक्टर का पूरा सेट हमने नया डलवाया है, ट्रॉली ट्रैक्टर। तो अब मैं पहले आपको दिखा दूँ जो ट्रैक्टर का अगला टायर है। तो भाई हमने जो ना ये ख़रीदा 4 गुड्डी वाला, जिसमें 4 लाइन आती हैं। इसमें जो ना जो 3 लाइन आती हैं वो सस्ता आता है, लेकिन जो 4 लाइन वाला आता है ना ये भाई लगभग 1000 रुपये तक महंगा आता है ये टायर। इसको ख़रीदने का रीज़न ये रहा है, इसमें जो ना एक तो ट्रैक्टर मतलब जो ना अगर जंप करता है ऊपर से गिरता भी है ना तो रिंग मुड़ने की समस्या नहीं होती, और इसमें स्टीयरिंग जो ना स्टीयरिंग काफ़ी स्मूथ कटता है। तो इस वजह से हमने जो ना सीएट के ये वाले टायर डलवाए हैं। और इसको डलवाने का कारण ये रहा है क्योंकि जैसे ही हमें लगा ना कि हमारा ट्रैक्टर आगे की तरफ झुकेगा, तो हमने डिसीजन लिया कि मतलब जो अगले टायर है वो 650-16 के डलवाए जाएं। 650-16 में सीएट अवेलेबल नहीं था, तो हमने अदर कंपनियों के जब 650-16 देखे तो भाई उनकी हाइट इस 616 के बराबर थी। तो भैया अदर कंपनी के 650-16 और सीएट का 616 बराबर हाइट बराबर चौड़ाई, तो इस वजह से ख़रीदा हमने ये। अब अगर मैं इसका प्राइस बताऊँ तो 9000 जो है वो इसका प्राइस है, 9000 में 100 कम लगा लो तो बाकी 9000 ये जो इसका प्राइस है। तो भाई देखो ट्रैक्टर जो ना जो टायर है और गुड्डी देखो आप, गुड्डी भी जो ना काफ़ी ज़्यादा जो गुड्डी है मतलब इतनी गुड्डी जो ना वहाँ पे 650-16 के किसी भी टायर में नहीं थी। अब बात आती है पिछले टायरों पे, तो ये हमने सीएट के क्यों डलवाई हैं 14 और 28 के। हमने जहाँ से ये खरीदे हमने हापुड़ से, तो जिस शॉप से ख़रीदे वहाँ पर जो ना JK, BKT, गुडियर, MRF और कौन सा बचा अपोलो, 5 टायर वो थे, एक ये था 6। तो जब हमने ख़रीदे तो पूरे के पूरे टायर जो ना एक लाइन में लगा लिया ऐसे मतलब लाइन में खड़ा कर लिया। तो भाई जो सीएट का टायर है ना ये जो है ना पूरा देखो इतना 2 इंच जो है वो ऊंचा था सभी टायरों से। इनमें जो सबसे नीचे था वो था JK का, और जो इसकी बराबरी का था मतलब MRF भी जो ना इतना नीचा था, लेकिन MRF टक्कर दे रहा था इसको, सिर्फ MRF ही। और MRF में जो देखो 3 मॉडल आते हैं, एक तो सिंपल आता है, एक में यहाँ पे प्लस का निशान आता है, और उससे भी जो सबसे हैवी ड्यूटी जो सबसे महंगा मॉडल है वो भी था, लेकिन वो भी जो है इसकी बराबरी नहीं कर पा रहा था। और सीएट का जो ये वरदान मॉडल है, तो इसी वजह से जो ना हमने इस टायर को ख़रीदा। अभी तक जो ना हमने सिर्फ अपोलो यूज़ कर रखा है, MRF, JK सारे टायर यूज़ कर रखे हैं, सिर्फ सीएट का नहीं किया था। तो पहली बार जो हमने सीएट का टायर यूज़ किया है, तो भाइयों अब देखेंगे इस टायर की जो घिसावट है वो कितनी है, मतलब ज़्यादा है या कम है। क्योंकि जो जिस दुकानदार ने दिया है मतलब बेका है बेचारे मेरे को, उसने बोला कि सबसे जो कम घिसावट है वो इस टायर की आएगी, और इसी वजह से जो ये अब महंगा टायर हमें मिला है। तो इसका प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा। और BKT भी था, BKT का था लगभग 14 और 28 में 44000 का, ये जो ना जो प्राइस बता रहा हूँ मैं विदाउट ट्यूब है सबकी, BKT 44000 का था, और गुडियर जो है वो 40 से 47000 तक था, और MRF भी 44 से 47000 तक का था, लेकिन ये पड़ा है दोस्तों में 48000 का, और नहीं सॉरी दोस्तों 47000 का पड़ा है। मतलब वैसे जो रेट था वो 48 था, लेकिन 1000 का जो डिस्काउंट मान लो आप या छूट कह लो कुछ भी कह लो तो वो हमें मिली है। तो बाकी वैसे 48000 का था, लेकिन हमें मिला है 47000 का विदाउट ट्यूब।
ट्यूब साथ नहीं है। अगर आप ओरिजिनल ट्यूब खरीदते हैं तो भाई आपको 2500 रुपये की जो एक ट्यूब पड़ती है, लोकल खरीदते हैं नहीं तो 1500 की पड़ती है। तो हमारी जो ना एक ट्यूब ख़राब हो रही थी तो हमने सिर्फ एक नहीं डलवाई है, बाकी जो दूसरे वो अपनी पुरानी चल रही है क्योंकि नए टायर डल चुके हैं, तो अब जो ना पंचर वगैरह की कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। तो भाई देखो हमने जो ना टायर सभी देखे, इससे वैसे जो हमारा डिसीजन था वो था MRF का, क्योंकि JK हमारी लिस्ट से पहले बाहर था। और देखो मैं आपको जो ना JK को इसका कंपेयर एक बोल बताऊं, आप जैसे गैप देख रहे हैं ना भैया, देखो ये देखो चार उंगली आ रही हैं, जो अंगूठा है वो आ नहीं रहा है, लेकिन भैया जो JK का टायर था ना उसमें चार उंगली भी आ रही थी, अंगूठा भी आ रहा था और भैया गैप भी बच रहा था, तो उससे चौड़ाई भी ज़्यादा है इसकी। JK का टायर भैया हमने जो ना सिर्फ एक बार डलवा लिए, बाकी वो भी मजबूरी में डलवा लिए, बट बाकी JK से बेकार टायर जो हमें आज तक नहीं लगा, क्योंकि भैया ये जो ना अदर कंपनियों का तेहरा का और JK का 14 का बिल्कुल बराबर साइज जो लगता है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, आप देखो इसमें जो ना देखो ये तो है अपोलो का 1428 का, ठीक है, और इस साइड है JK का। अब आप देखने में ऐसा लग रहा है ये टायर है तेहरा का और ये है 14 का, जबकि ये भी 14 का है और ये भी 14 का है, तो इतना अंतर आता है। जो JK का टायर है ना इसकी चौड़ाई भी कम आती है और जो भाई इसकी गुड्डियाँ ना वो भी कम आती है। तो JK का टायर देखो भाई मेरे हिसाब से देखो ना, बाकी देखो सब किसान भाइयों की अपनी अपनी समझ रहती है, अपनी राय रहती है, बाकी मेरे हिसाब से तो JK का टायर जो ना वो बिल्कुल फेल है। मैंने वैसे देखे भी बहुत ही कमी में है, कम ट्रैक्टरों में जो JK के टायर डलते हैं, किसी ने गलती से डलवा लिया वो बात अलग है, पर लेकिन अगर कोई एक बार डलवा लेता है तो फिर दोबारा नहीं डलवाता है। और बाकी भाइयों देखो जो C8 का टायर है ना इसकी घिसावट तो हमें कम बताई गई है, पर बाकी देखो पहली बार जो हम यूज़ कर रहे हैं C8 के टायरों को, अभी तक हमने C8 का टायर जो यूज़ नहीं किया था, तो अब इसको जो ना चलाने पता लगेगा जो ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस हो, मतलब कैसा आएगा, ग्रिप कैसी बनाएगा और जो घिसावट है वो कैसी आएगी, कम घिसावट है ज़्यादा घिसावट है। और भाई ट्रॉली में जो ना हमने ट्रॉली का था 36,000 का जोड़ा, उसमें जो ना ट्यूब लंगोट वगैरह सब आती हैं और ये विदाउट ट्यूब के। तो भैया अगर आपने भी C8 का ये वाला मॉडल जो टायर का है ये यूज़ किया हुआ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसकी घिसावट कैसी है इन टायरों की वो भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और मैं ये जो प्राइस बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ अपने UP के गाज़ियाबाद के, बाकी आपके वहाँ पर जो ना इस टायर का क्या प्राइस है और तो आप जो ना ये भी मुझे बताना। बट बाकी भाइयों देखो कैमरे में जो ना इतना नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप ऐसे देखते हैं ना ध्यान से देखें तो भाई ट्रैक्टर जो ना आगे की तरफ झुका हुआ लग रहा है, आप देख भी सकते हैं। और एक बात और बताऊं, अगर मान लिया जैसे हमने टायर डलवाए थे तो जैसे मतलब वहाँ गांव में निकल के आया, तो भाई ज़्यादातर जो ना लोग ये देख रहे हैं कि जो टायर है मतलब 1428 से बड़ा है, रुक के पूछते हैं कि जो टायर का साइज़ है वो कौन सा है, क्योंकि इसका जो ना हाइट भी ज़्यादा है। यहाँ भी देख सकते हैं आप कितना सा गैप जो बचा है, सिर्फ बाकी यहाँ पर जो ना काफ़ी ज़्यादा गैप बच जाता है जब कंपनी से टायर भी आते हैं किसी और कंपनी के, तो वैसे देखने में साइज जो ना ये लगता है 1528 का। अगर हम जो ना JK पे जाते, JK पे या फिर MRF के कुछ मॉडल पे हम जाते तो उनका जो ना 1528 के साइज़ के बराबर टायर था। तो भाई देखो मैंने कीमत भी बता दी है, और अब जो ना आपको कमेंट करके सिर्फ ये बताना है कि जो इसकी घिसावट है वो किस तरह की है। और वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर जरूर करें, और अगर मान लिया कुछ अभी कुछ सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।